वैज्ञानिकों की एक टीम को एक ऐसा जहाज मिला है जो खजाने से भरा हुआ है। इस खजाने की कीमत का अंदाजा लगाना मुश्किल है, इतना खजाना इस जहाज में है। और ये मिला है समुद्र की तलहटी में। ये कौन सा जहाज है, इसमें इतना खजाना कहाँ से आया, और वैज्ञानिकों को इस जहाज के बारे में पता कैसे चला, ये बताएंगे आपको इस पूरी रिपोर्ट में। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर सुरजीत सिंह और आप देख रहे हैं महाना मिस्ट्री। आज इस वीडियो में खुलासा होगा उस जहाज के बारे में जो कि समुद्र में डूबा हुआ था लेकिन खजाने से पूरा भरा हुआ था। तो इस वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक जरूर देखिए और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर कीजिए, कमेंट जरूर कीजिए। साथ ही महाना मिस्ट्री चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए और साथ ही आप इसके नीचे जो स्क्रीन के नीचे आपको दिख रहा है बेल आइकन, उसको जरूर दबाइए, उस घंटे के निशान को जरूर दबाइए ताकि इस तरह के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल पाए। तो दोस्तों, बात करते हैं उस जहाज की जो वैज्ञानिकों ने गोताखोरों की मदद से ढूंढ निकाला है। ये जहाज मिला है लिटिल बहमास के तट के पास में, और इस जहाज में इतना सामान है, इतने कीमती आभूषण, हीरे जवाहरात हैं जिसको देख करके उनकी आंखें खुली की खुली रह गई। ये जहाज स्पेन का जहाज है जो 1656 में अमेरिका से खजाना भर करके स्पेन के लिए रवाना हुआ था, लेकिन स्पेन पहुंचने से पहले ये लिटिल बहामास के तट के आसपास में ही डूब गया था। यानी ये 350 साल पहले की घटना है। 350 साल से ये जहाज आभूषण और खजाने के साथ में समुद्र की गहराई में मौजूद था। जो जानकार थे, जो पुरातत्वविद थे, जो इतिहासकार थे, उन्होंने कई बार वैज्ञानिकों से कहा, सरकार से कहा कि इस जहाज का पता लगाइए क्योंकि इसमें खजाना है, इतना खजाना है जिसके बारे में फिलहाल अंदाजा लगाना भी मुश्किल है। इसके बाद ही बहामास सरकार ने इस पे शुरुआत की, खोज की, और जब खोज के नतीजे पे वो पहुंचे, जब उन्हें लगा कि ये इलाका जो है यहां पर ये जहाज मौजूद हो सकता है, तो उसने पुरातत्वविदों की एक टीम बनाई जिसमें अमेरिकन साइंटिस्ट भी थे, अमेरिकन एक्सपर्ट भी थे। उसकी टीम ने इस खोज को शुरू किया और इस खोज का जो परिणाम मिला वो था खजाने से भरा हुआ जहाज। और इस जहाज का मलबा जहां पे ये डूबा था उसके आसपास 13 किलोमीटर के अंदर में फैला हुआ दिखाई दे रहा है। और वैज्ञानिक और गोताखोरों की टीम और एक्सपर्ट की टीम लगातार उन मलबों की जांच पड़ताल कर रही है। और इस मलबे में क्या-क्या मिला वो मैं आपको बताता हूं। मलबे से बरामद खजाने में गोल्ड फिलिग्री चेन, क्रॉस ऑफ सेंटियागो से जड़ा सोने का पेंडेंट, इंडियन बेजोर स्टोन और ओवल एमराल्ड जैसे बेशकीमती आभूषण शामिल हैं। साथ ही इसमें जो मिला है उसमें कई पुराने बर्तन, हीरे जवाहरात से जड़ित बर्तन, कई रत्न से जड़ित बर्तन, ये तमाम इस मलबे से मिले हैं जो कि पुरातत्वविदों के लिए किसी खजाने से कम नहीं है। और ये खजाना मिलना भी किसी चमत्कार से कम नहीं है क्योंकि पिछले 350 साल से ये खजाना समुद्र की गहराइयों में कैद था। अब आपको बताऊं कि ये हादसा हुआ कैसे। इस जहाज का नाम 13वीं शताब्दी की वर्जिन मैरी की मूर्ति के नाम पर पड़ा था। जहाज अमेरिका से स्पेन जा रहा था, जहाज में खजाना भरा हुआ था, लेकिन 4 जनवरी 1956 में ऐसा क्या हुआ कि ये पूरा का पूरा जहाज डूब गया। जी हाँ, इसकी वजह मैं बताता हूं। दरअसल नेविगेशन का जो उपकरण था उस वक्त, उसमें थोड़ी सी गड़बड़ी आई और जहाज अपनी दिशा भटक गई। उसे अंदाजा नहीं लगा कि वो जिस जगह पे जहाज जा रहा है वहां पे बड़े बड़े चट्टान, बड़े बड़े पत्थर हो सकते हैं, और उन्हीं पत्थरों में से किसी एक पत्थर से टकराने से ये जहाज टूटा नीचे से और पानी भर गया और ये पूरी तरीके से डूब गया। जहाज जब डूब रहा था तो उस वक्त इसमें 650 लोग सवार थे, जिसमें से अधिकतर लोगों की मौत हो गई, लेकिन उसमें से 45 लोग जिंदा बच पाए, जिसमें से जो लोग मरे हैं उसकी एक बड़ी वजह थी, वो थी समुद्र में मौजूद शार्क मछलियां।
इन्हीं शार्क मछलियों ने जो लोग तैर के बाहर भी निकलना चाह रहे थे उन्हें अपना शिकार बना लिया। इस तरीके से इस जहाज पे मौजूद ज्यादातर लोगों की मौत हो गई वहीं पे समुद्र में, या तो डूबने से या शार्क का शिकार बनने से। और जो लोग तैर करके किसी तरीके से बाहर आए उन्होंने ये आंखों देखी बातें बताई, साथ ही ये बताया कि उस जहाज में कितना खजाना मौजूद है, क्योंकि वो अमेरिका से खजाना लेकर के स्पेन जा रहा था जहाज। और इसी जो लोगों ने जो बयान दिए वो तमाम दस्तावेजों में मौजूद थे, और इन्हीं दस्तावेजों को आधार बना करके बहामा की सरकार ने इस पे खोजबीन शुरू की और आखिरकार उस खजाने को पा लिया।